28 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बूथों पर मिल रहा प्रवेश। भारतीय वायुसेना को कल मिलेंगे 3 और राफेल लड़ाकू विमान। 5 जेट पहले ही आ चुके हैं भारत। कानपुर के घाटमपुर विधानसभा के 2 बूथ पर ईवीएम खराब। संभल में मकान की छत गिरने से 3 की मौत, 10 घायल। सोमवार को दुल्हन देकर लौटी थी बारात। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू सोसाइटी के खिलाफ खोला मोर्चा। ईओडब्ल्यू से जांच की मांग। लखनऊ में दंगा भड़काने वालों के खिलाफ कुर्की की तैयारी। घर के बाहर पिटवाई दुदुगी। डॉक्टर रेड्डी लैब का कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की मार्केटिंग संबंधी आवेदन खारिज। चीन की आपत्ति को दरकिनार कर आज से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं करेंगे ऐतिहासिक सैन्य अभ्यास। असम के नागरिक की मिजोरम में मौत से बढ़ा तनाव। सोनोवाल ने गृह मंत्री को बताए हालात। ऑस्ट्रिया के वियना में अंधाधुंध फायरिंग, 7 लोगों की मौत सहित कई घायल, 1 आतंकी ढेर।